भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है, एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से हर 3 साल के बाद जो संसद चुनाव होते हैं बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, उसी में चंडीगढ़ के बूथ इकाइयों के चुनाव हो गए, मंडलों के चुनाव हो गए, जिलों के चुनाव हो गए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ प्रदेश का चुनाव भी संपन्न हुआ है। अभी तक संजय टंडन जी प्रदेश के पिछले 10 वर्ष से अध्यक्ष थे, आज विधिवत रूप से श्री अरुण सूद जी को भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ इकाई ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और साथ ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के नाते श्री संजय टंडन जी को यहाँ से चुन करके भेजा गया है। ये चुनाव आज यहाँ संपन्न होना पड़ेगा। हरियाणा को नया अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? चूंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव पिछले दिनों चल रहे थे और 3 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ जहाँ देश में विधानसभा के चुनाव थे, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उन तीनों में चुनावी संगठन की प्रक्रिया थोड़ी विलंब हुई है। अभी हरियाणा में स्थानीय समितियों के चुनाव हो गए हैं, मंडलों के चुनाव चल रहे हैं, जनवरी अंत तक जिलों के चुनाव और फरवरी में किसी समय प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होना संभावित है। सर, पंजाब सरकार ने 23 जनवरी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय अपने अपने प्रांतों में आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है कि वो पानी को रोक सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कह दिया है कि जो समझौता हुआ था पानी का, उस पानी में SOIL के माध्यम से जो पानी बचा हुआ हरियाणा का वो पहुंचाया जाए और SOIL नहर का निर्माण किया जाए। अब एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को देना भी बाकी है, बहुत जल्दी वो ऑर्डर आ जाएगा और निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है SOIL बनाने का रास्ता वो साफ कराएगी। कब तक उम्मीद करें? अभी कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट।